यहाँ पे लिखा है स्टंट कार बोलकर, हम लोग इसको स्टंट कार भी बुला सकते हैं। शेप चेंज होने के बाद एक बिल्कुल स्टंट बाइक की तरह भी दिखाई देती है। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, देखो गाइस बॉक्स के पीछे इस तरह का नजर आता है। ये जो बाइक है ब्लैक और रेड और ग्रीन और ऑरेंज कलर में मिल जाती है। मेरे पास जो है ग्रीन एंड ऑरेंज कलर वाली बाइक है। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ओ माय गॉड, क्या चमचमा रही है गाइस अपनी बाइक। इसी ब्रांड की मेरे पास एक रोवर ट्रॉन बाइक भी है, आपको पता ही होगा, वो भी बाइक मैं आपको बताऊंगा। बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स है, इसके अंदर शायद इसकी बैटरी और चार्जर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है इसका चार्जर और ये रही इसकी बैटरी, 4.8 वोल्ट की बैटरी दी है। यहाँ पर इसका रिमोट भी दिया हुआ है, रिमोट भाई एकदम गजब का दिखाई दे रहा है। ये देखो गाइस, ये रही अपनी रोवर ट्रॉन बाइक। यहाँ पर आपको इसका मॉडल दिख रहा होगा, ये जो मॉडल है बिल्कुल यही मैंने खरीदा हुआ है। अगर आप चाहते हो गाइस दोनों के बीच में मैं फाइट कराऊं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो मुझे नीचे कमेंट में यस बोलकर टाइप कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोनों बाइक के बीच में फाइट कराने के लिए। बिल्ड क्वालिटी भाई एक नंबर है इसकी, देख रहे हो काफी ज्यादा शाइन कर रही है ये। ऊपर काफी ज्यादा जबरदस्त मटेरियल इन लोगों ने यूज किया है। सबसे अनोखी चीज इसके व्हील्स लग रहे हैं। देखो गाइस, इसको आप इस तरफ से भी चला सकते हो और उल्टा करके इस तरफ से भी चला सकते हो। दोनों तरफ देखो गाइस बहुत ही अलग डिजाइन इन लोगों ने बनाया हुआ है। यहीं पर इसकी बैटरी भी बैठ जाती है। पूरे के पूरे रबर के व्हील्स हैं, साइज बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। पीछे के व्हील्स ग्रीन कलर के, सामने के व्हील्स ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के दिए हुए। बाकी अपनी टेस्टिंग में पता चल जाएगी ये जो बाइक है ना भाई कितने दिनों तक अपने हाथ में टिक पाएगी। साइड में देखो गाइस यहाँ पर कुछ मेटल के बॉल्स भी इन लोगों ने दे रखे हैं ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना गिर सके। बाकी कोई बंदा एक बार इसको देख लेना गाइस, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये बाइक है या फिर कार। भाई क्या अनोखी चीज बनाई है इन ब्रांड वालों ने। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा मेरे पास शेप चेंजिंग कार्स तो भाई बहुत ज्यादा पड़ी है। देखो ये एक मोका शेप चेंजिंग कार है, ये भी जो बाइक है ना भाई इसी कॉन्सेप्ट पर इन लोगों ने बनाई है। बॉडी का शेप बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट ये वाला जो शेप है इन लोगों ने चेंज किया हुआ है और दोनों व्हील्स को इकट्ठा कर ज्वाइंट कर दिया। इस वजह से ये बहुत ज्यादा अनोखी नजर आती है, पर ये जो है ना कार की तरह नजर आती है। ये भी देखो, ये भी एक जेनेरिक मोका शेप चेंजिंग कार है, सेम लेंथ की है दोनों की दोनों। तो चलो दोस्तों अभी अपन लोग चलते हैं बाहर, कराते हैं इसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग, देखते हैं अपनी ये आरसी स्टंट बाइक किस तरह से चलती है। और भाई इसके साथ आज हम लोग फाइट भी कराने वाले हैं, देखते हैं मोका स्टंट कार जीतेगी या फिर अपनी ये वाली बाइक जीतेगी। चलो दोस्तों लेट्स गो। यो गाइस मैं आ चुका हूँ रोड पर। यहाँ पर देखो इसका शेप भी मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ। इस तरह से ये अपना शेप चेंज कर सकती है, बाइक भी बन जाती है और कार भी बन जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको चलाने का, क्योंकि यार इस तरह की जो बाइक या फिर कार है मैं पहली बार चला रहा हूँ। रिमोट भाई काफी सही से काम कर रहा है इसका। यहाँ पर देखो गाइस इसको मैं जैसे ही टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ ये इस तरह से रोल हो रही है, यानी कि लोट पोट हो रही है। तो भाई काफी सही है, काफी सही से काम कर रहा है रिमोट इसका, बाइक भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही है। अभी इसको रोड पर एकदम फुल स्पीड से दौड़ा के देखते हैं इसकी स्पीड कहाँ तक पहुंच पाती है। मेरे को लग रहा है कि इसकी स्पीड तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पर आवर है। अभी शेप चेंज करके भी इसको चला के देखते हैं। शेप चेंज करने के बाद इसकी स्पीड कुछ तो बढ़ पाती है या नहीं। देखो भाई इसकी स्पीड यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़ चुकी है, पर ये अनकंट्रोल भी हो जाती है। अपनी बाइक की मैं फाइट कराने वाला हूँ अपनी मोका रेड कलर की कार के साथ, देखते हैं गाइस अपनी मोका कार को अपनी बाइक हरा पाती है कि नहीं। ओ भाई एक ही टक्कर में इसने गिरा दिया यार, देखो औंधे मुंह गिरा दिया भाई। दोनों के बीच में एक और राउंड कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। ओ भाई अपनी बाइक देखो, इसके ऊपर ही चढ़ चुकी थी यार, ये नीचे गिर चुकी है और भाई इसने बदला भी ले लिया, इसको भी उल्टा गिरा दिया। तो भाई दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस यहाँ पर कौन जीतने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लड़ाई दोनों के बीच की। ये देखो गाइस, ओ भाई अपनी मोका रेड कलर की कार देखो यार, एक ही झटके में इसको उल्टा पलटा कर दिया यार इसने। क्लियरली यहाँ पे फर्स्ट राउंड में विनर है मोका आरसी कार। अभी सेकंड राउंड कराते हैं दोनों के बीच में। देखो इसका शेप अपन ने अभी चेंज कर दिया, देखते हैं अभी इसको हरा पाती है कि नहीं। तो भाई अपनी मोका रेड कलर की कार को तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी ग्रिप नहीं मिल रही है, वहीं अपनी बाइक को देखो भाई काफी गजब तरीके से ग्रिप मिल चुका है और यहाँ पे क्लियरली जीत चुकी है। अभी इसको ऑफ रोड टेस्ट करके देख लेते हैं ऑफ रोड में सही से चल पाती है कि नहीं। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है शेप चेंज करके, तो यार ये यहाँ पर देखो गाइस इस तरह से गिर चुकी है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, शेप चेंज कर दिया मैंने, अभी चला के देखते हैं सही से चल पाती है कि नहीं। ओ भाई मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये ऑफ रोड में पत्थरों पर से भी इतनी जबरदस्त तरीके से चल सकती है। तो भाई ऑफ रोड में तो एकदम कमाल की चल रही थी, शेप चेंज करने के बाद ये गड्ढों में से भी बड़ी आराम से चल जाती है गाइस। अभी इसको थोड़ा सा मिट्टी में भी चला के देख लेते हैं, स्पीड मिट्टी में काफी जबरदस्त है जिस तरह की स्पीड इसकी रोड पर है, ऑफ रोड में भी बिल्कुल उसी तरह से चल जाती है। मिट्टी में तो भाई एकदम लोट पोट होकर जबरदस्त तरीके से अपनी जो ये कार या फिर बाइक बोलो आप सही तरीके से चल जाती है। इसके मजे आप रोड पर भी ले सकते हो और मिट्टी में भी चला के ले सकते हो, यानी कि ऑलराउंडर बाइक है ये।
तो गाइस वापस से अपन एकदम मेन रोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर इसका रेंज टेस्ट भी करके देख लेते हैं, फटाफट से देखते हैं कितनी दूर तक अपनी जो बाइक है जा पाती है। ओ भाई बहुत दूर तक जा चुकी है, इसका रेंज जो है तकरीबन 50 मीटर मेरे को लग रहा है, और दूर तक जा रही है, देखते हैं कितनी दूर तक ये जा पाएगी। अभी देखो गाइस यहाँ पर आकर ये रुक चुकी है, तो भाई यहाँ पे इसका रेंज है तकरीबन 50 से 55 मीटर। भाई दोस्तों